हाय गाइस, नमस्कार। मैं एमके वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी स्टूडेंट आज जो वीडियो लेके आया हूँ, दरअसल सिंगल रूम की ड्राइंग है और उसमें आप देखें कि डिफरेंट जो हम सेक्शंस काटते हैं उसकी ड्राइंग हम किस तरह से बनाएंगे स्केल में कन्वर्ट करते हुए, वो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊँगा और बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं दोस्तों और फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम जो है एक सिंगल रूम की ड्राइंग उसके डिफरेंट सेक्शंस का जो सेक्शनल एलिवेशन है वो किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिंगल रूम SINGLERROOM रूम ड्राइंग DRAWING ड्राइंग विद वेरियस सेक्शनल एलिवेशन SECTIONAL सेक्शनल एलिवेशन ELEVATIONS ठीक है। तो आज इसमें एक सिंगल रूम लेकर चलेंगे, सिंगल रूम का कोई भी हम साइज ले लेंगे ठीक है। और यहाँ पर जो स्केल मैंने लिया है, तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्केल हम क्या लेकर चल रहे हैं। स्केल सपोज कर हम लेकर चल रहे हैं 1:50। इसका मैंने पहले ही मतलब बताया था कि कोई भी जो लंबाई है अगर 50 सेंटीमीटर की है तो हम उसको ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। अगर मान लीजिए 30 सेंटीमीटर की वॉल है तो 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए हम कितना करेंगे 0.6 सेंटीमीटर यानी कि 6 मिलीमीटर मोटी वॉल खास तौर से ड्राइंग पे हम शो करेंगे ठीक है। फाउंडेशन हमारी कितनी है 90 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो यानी कि 90/50 करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर की ड्राइंग आप उस पर शो करेंगे ठीक है। इसी तरह से गहराई अगर 1 मीटर है फाउंडेशन की, तो वहाँ पर जो गहराई हम कितनी लेंगे 1 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो स्केल पर हम कन्वर्जन किस तरह से करते हैं ठीक है। तो चलिएगा एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। इसमें सपोज करें एक रूम है जो 6.5 मीटर लंबा मान लेते हैं और 5 मीटर हम उसकी चौड़ाई मान लेते हैं और उसमें हो सकता है कि हम 2 दरवाजे दे दें और 2 विंडो दे दें हम ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों मैं ड्राइंग बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखो किस तरह से ड्राइंग है, आप देखें कि मैंने बताया था पहले हम यहाँ पर बाहर की लाइन जरूर खींचते हैं इस तरह से। ये लाइन बाहर की लाइन है इस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लीजिएगा ठीक है। और इसमें यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर की वॉल लेकर चलेंगे, तो जो 30 सेंटीमीटर की वॉल है उसको 30/50 करेंगे तो कितना आ जाए 5×30 यानी 0.6 सेंटीमीटर यानी 6 मिलीमीटर। तो यहाँ से 6 मिलीमीटर छोड़कर यहाँ से 6 मिलीमीटर छोड़कर आप इस तरह से ये वॉल बना देंगे यहाँ पर, और सारी वॉल जो है वो हमने कितने लिए 30 सेंटीमीटर मोटी वॉल हमने ली है यहाँ पर। तो ड्राइंग देखना बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और जैसी ड्राइंग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना इसी तरह से आप इसको ड्राइंग शीट पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने चलो बॉक्स बंद कर लिया इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ये इसको यहाँ पर इसको बंद कर लीजिएगा बॉक्स को इस तरह से, और ये बॉक्स इस तरह से बंद हो गया। ये हमारा क्या हो गया, केवल मैंने सिंगल रूम लिया है और इस सिंगल रूम में जो डायमेंशन कितनी मानी है, सपोज करें ये डायमेंशन हमारी कितनी है यहाँ पर 6.5 मीटर ठीक है। और ये जो चौड़ाई है यहाँ पर ये चौड़ाई कितनी है सपोज करें इट इज़ 5.5 मीटर मान लो, चलो 5.5 मीटर ठीक है। तो आप वास्तव में ये लंबाई कितनी लेंगे 6.5 यानी 650 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 कितना हो जाए 13 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5.5 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये कितना है आपका 13 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर की हमारी वॉल है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें तो कितना आ जाएगा 6.5 प्लस 30 और 30 60 कितना हो गया इट इज़ 7.1 मीटर। अगर ये 30 की वॉल है तो कितना हो गया 7.1 मीटर। यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो गया, ये कितना है 5.5 और 30 और 30 60 की वॉल है तो कितना हो गया इट इज़ 6.1 मीटर। तो यहाँ पर देखो मैं अगर स्केल यहाँ पर कन्वर्ट करूँ कि 6.1 क्या है मीटर है यानी 610 डिवाइड बाई 50 करना है तो उतने सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी कितनी, ध्यान से देखना 610/50 इसको इससे काट लें इसको इसको काट लें कितना आ जाएगा 5×5, 5×2 10 और 5×2 10 12.2 सेंटीमीटर कितना आ रहा है
12.2 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी है 12.2, यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा लिख दिया है ताकि आप उस तरह से इसको खींच सकें। 12.2 सेंटीमीटर से हमने रिप्रेजेंट किया है ना। 7.1 कितना हो गया 710, यहाँ पर देखें अगर हम काटें 710 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, फिर दो बचे ना, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी 14.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, 14.2 सेंटीमीटर। वास्तव में हम कितना शो करेंगे 7.1 और यहाँ पर 6.1 मीटर। ये कितना खींचेंगे स्केल पर ड्राइंग पर 12.2 सेंटीमीटर और ये 14.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है 13 सेंटीमीटर और ये कितना है हमारा 11 सेंटीमीटर। इस तरह से बॉक्स हमारा बंद हो जाएगा। और यहाँ पर वेरियस सेक्शन मुझे खींचना है तो फाउंडेशन की डिटेल मैं बार बार नहीं बताऊँगा। मान लो एक विंडो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, एक विंडो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, 1 मीटर बाई 1 मीटर की विंडो है, तो ये विंडो हमने इस तरह से शो कर दिया है ना। यहाँ पर सपोज करें कि हमने एक दरवाज़ा लगा दिया इस तरह से, या यहाँ पर विंडो लगा दी, चलो हमने एक मान लिया यहाँ विंडो लगा दी, एक बीच में यहाँ पर एक हमने दरवाज़ा लगा दिया, इस तरह से हमारा डोर हो गया, ओके। यहाँ पर फिर हो सकता है कि एक हमने विंडो दोबारा लगा दी इस तरह से, एक हमने विंडो लगा दी, ओके। अब यहाँ पर मैंने क्या दिया है कि चारों तरफ जो वॉल है वो हमारी कैसे है, स्पैट फुटिंग फाउंडेशन है, ठीक है। और इसमें देखेंगे हो सकता है कि यहाँ पर भी चलो एक विंडो दे देते हैं हम, यहाँ पर भी हमने एक विंडो दे दी। विंडो कितनी है ये 1 मीटर, यहाँ पर लिख दिया हमने 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब कितना खींचा आपने, इट इज़ यहाँ लिख दिया छोटा सा 2 सेंटीमीटर, है ना। डोर क्या है, ये भी 1 मीटर है, यहाँ पर मैं लिख दिया दिस इज़ 1 मीटर, यानी कितना करोगे 2 सेंटीमीटर। ये जो विंडो है ये भी आपकी कितनी है, ये यहाँ पर मैं लिख दिया दिस इज़ 1 मीटर, यानी कि ये भी हमारा प्लान में 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया स्केल 1:50 और इसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्लान, ये सेक्शनल प्लान है, या इसको हम कह देते हैं कई बार PLAN, हमेशा हम प्लान इस तरह से लिखेंगे PLAN, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैं सेक्शन काटूँगा उसको देखें कि हम किस तरह से इसकी खास तौर से ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखना जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना, आपके जो सेक्शन मैंने काटा है वो यहाँ पर इस तरह से काटा है, ये सेक्शन इस तरह से यहाँ पर आ जाएँ, फिर हम इधर गए बिल्कुल सीधे, बहुत देखना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ बिल्कुल पीछे निकल आए, फिर इसका थोड़ा हॉरिजेंटल गए यहाँ पर, फिर हम थोड़ा नीचे आ गए इस तरह से। नीचे आने के बाद हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ से कट कर दिया इस तरह से, एक सेक्शन लाइन आपकी यहाँ पर है इस तरह से जो मैंने यहाँ पर बनाई है, देखो ऐसे हमने एरो बना दिया। यहाँ पर लिख दिया मैंने सपोज करें 1, 2, ये कितना है हमारा 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5 और ये कितना है हमारा 6। ये हमारी नंबरिंग है, नंबरिंग चाहे ABCD से कर लें, तो आपको लग रहा है कि हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हमने इसको सेक्शन काटा है, ठीक है, ये नंबरिंग करके काटा है। एक सेक्शन आपका इस तरह से है, तो यहाँ पर देखो किस तरह से बनेगा, इस लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ क्या दिखाई देगा, ये पोर्शन, ये एलिवेशन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा एलिवेशन। तो एलिवेशन कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर मैंने इस तरह खींच दिया है, ये हमारा क्या है दिस वन इज़ एलिवेशन, ये हमारा क्या है प्लिंथ, ये हमारा क्या है प्लिंथ लेवल हो गया। और यहाँ पर क्या दिखाई देगा, पूरे पैरापिट तक आपको वॉल इस तरह से यहाँ दिखाई देगी, ये हमारा क्या है ये पैरापिट है, ये कहाँ तक जा रही है वॉल, सीधे पैरापिट तक। तो हमने पैरापिट चलो यहाँ तक मान लिया, हमने इसको पैरापिट तक यहाँ, और इसको यहाँ से इसको बंद कर देंगे, चलो यहाँ पर ये क्या हमारा पैरापिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना सामने क्या दिखाई देगा, एक विंडो दिखाई देगी थोड़ी सी इधर, तो यहाँ से 2 मीटर पर यहाँ पर एक विंडो दिखा देंगे ऐसे, ये विंडो का प्रोजेक्शन आ रहा है, ये प्रोजेक्शन नीचे डालेंगे तो विंडो आपकी ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर ये विंडो आ गई, ये हमने क्या दिखा दिए विंडो, इस तरह से आप यहाँ पर शो कर दीजिएगा, बहुत आसान तरीका है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये हमारी विंडो हो गई, यहाँ पर हाइट कितनी है, ये हमारी हाइट है डोर हाइट, हमने कितनी रखी है 2 मीटर, डोर हाइट कितनी रखी है हमने 2 मीटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डोर जो हमने लिया है वो 1 मीटर बाई 2 मीटर, और जितनी विंडो हैं यहाँ पर विंडो लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ 1 मीटर बाई 1 मीटर, ठीक है। और प्लिंथ की डायमेंशन वही, प्लिंथ की हाइट वही आपकी
45 सेंटीमीटर। तो कभी भी करेंगे कैसे करेंगे, 45 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर, तो 5 × 45 0.9 सेंटीमीटर, कितना 0.9 सेंटीमीटर, ये कितना कहलाएगा 0.9 सेंटीमीटर या 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, इस तरह से शो कर देंगे आप ग्राउंड लेवल, है ना। यहाँ पर क्या है हमारा प्लिंथ लेवल शो करेंगे, और ये जो ऊंचाई है ये कितना है हमारा, दिस इज 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 सेंटीमीटर, 45/50 करोगे तो 0.9 सेंटीमीटर यानी 9 मिलीमीटर, बहुत छोटा सा आएगा, ठीक है, 1:50 के स्केल पर। ये हाइट हमारी कितनी है, हाइट के बारे में मैं बता देता हूँ कि हमारी हाइट कितनी है, हाइट देखना भाई 3.6 मीटर तो क्या है आपकी सीलिंग हाइट है, प्लस 10 सेंटीमीटर की स्लैब, और 5 सेंटीमीटर का क्या है इंसुलेशन लेयर, और 5 सेंटीमीटर हमारी क्या है ब्रिक की टाइलिंग है, तो 10 सेंटीमीटर और हो गया, दिस इज 0.1, कितना आ गया हमारा 3.6, फिर 3.7, 3.8, और इसमें क्या करेंगे प्लस 0.9 मीटर का क्या रखेंगे हम पैरापेट रखेंगे, क्या रखेंगे पैरापेट हाइट, तो कितना हो गया ये आपका, दिस इज 4.7 मीटर, 4.7 मीटर। तो ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने लिखी है कितनी, यहाँ नीचे बढ़ा लिया मैंने, बढ़ा लिया है, इट इज़ 4.7 मीटर यहाँ तक प्लिंथ तक। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और 4.7 मीटर की हाइट कितनी हो गई, अगर यहाँ पर हम करें 4.7 मीटर को, तो कैसे करेंगे 4.7 यानी 1/50 इंटू 470, 4.7 मीटर का 470 सेंटीमीटर हो गया ना, तो देखो इसको डिवाइड करें, 0 से 0 कट गया, 5 × 9 = 45, 2 बचे ना, और 5 × 4 = 20, 9.4 सेंटीमीटर, कितना लेकर चलेंगे 9.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे ये हाइट यहाँ से ज़्यादा कितनी है 4.7 मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 9.4 सेंटीमीटर से, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ तो बना दी, अब यहाँ पीछे चले गए, और हमने जब इधर काटा है तो इधर का पोर्शन ये सब गायब हो गया, ओके, ये पोर्शन जब गायब हो गया तो यहाँ क्या है, ये बिल्कुल पीछे निकल आए, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन डालेंगे इस तरह से, ये प्रोजेक्शन आ रहा है इस तरह से, यहाँ इस लाइन को इससे मिला देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा, केवल आपको क्या दिखाई देगा, केवल ग्राउंड लेवल ये दिखाई देगा, ठीक है। ये एक टिपिकल सेक्शन है, तो यहाँ पर जो मैंने किया है कि सिंगल रूम ड्राइंग विद वेरियस सेक्शनल एलिवेशंस, तो ये क्या है टिपिकल है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आ गए हम, तो ये कितना हमारा 4 और ये 5, यहाँ लिख दिया हमने 4 और यहाँ लिख दिया हमने 5, ये नंबरिंग है केवल, ये क्या है केवल नंबरिंग है। यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन क्या है, यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया हमारा दैट इज 2, यहाँ कितना है ये 3 है ना, और ये कितना है 2, तो 3 यहाँ लिख दिया और ये 2 लिख दिया, ये हमारा सेक्शन है इस तरह से, ठीक है। ये पोर्शन हमने गायब कर दिया, यहाँ से पोर्शन हटा दिया यहाँ से, तो ये पोर्शन क्या है केवल ग्राउंड लेवल दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखें ये जो प्रोजेक्शन है हमारा, ये वॉल का प्रोजेक्शन यहीं पर आएगा ना, वॉल यहाँ पर कट रही, तो हमने इसको लाइन को ये प्रोजेक्ट कर दिया इस तरह से, दिस वन ये प्रोजेक्ट कर दिया, और एक वॉल हमारी कहाँ रही है, यहाँ पर हमारी सीलिंग हाइट है सपोज करें, तो यहाँ पर ये आपकी वॉल आ जाएगी इस तरह से, है ना। और ग्राउंड लेवल के नीचे ये मैंने इसको हटा दिया है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन हमारा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि सामने से क्या दिखा, केवल वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल दिखाई दे रही है ये वाली पूरी, ओके। और यहाँ पर क्या दिखाई देगी, ये स्लैब दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक स्लैब आरसीसी की, तो आरसीसी की हमने स्लैब कहाँ डाली, यहाँ पर हमने आरसीसी की स्लैब डाल दी इस तरह से, ये क्या हमारी आरसीसी की स्लैब, जिसको हम इस तरह से डायरेक्शन में यहाँ पर शो कर देंगे बहुत आसानी से। 10 सेंटीमीटर स्लैब हो गई यहाँ पर, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर की हम क्या खींचेंगे, वॉल खींचेंगे, और प्लिंथ लेवल कहाँ है, यहाँ है ना, तो ये आपका सॉरी प्लिंथ लेवल नहीं, ये हमारा क्या है पैरापेट है, ये पैरापेट हमारी यहाँ पर ये मेंशन कर दी जाएगी इस तरह से, ये लाइन सीधी आ गई पैरापेट। यहाँ पर क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर की वॉल बना देंगे इस तरह से, ये क्या हमारी 20 की वॉल हो गई इस तरह से, ये यहाँ पर प्रोजेक्शन डाल दिया। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कोट हॉट बेटमेंट का डालेंगे, फिर इंसुलेशन लेयर डालेंगे यहाँ पर इस तरह से, और फिर यहाँ पर ब्रिक की टाइलिंग कर देंगे, ये ब्रिक की हमारी टाइलिंग हो गई कुछ इस तरह से लाइक, ठीक है। तो ये हमारी आरसीसी की स्लैब हो गई जो हमने यहाँ पर डाल दी है, ओके। यहाँ देखेंगे जब सेक्शन कट रहा है तो छत तो कटी रही है, साथ साथ हमारा फर्श भी कट रहा है, तो फर्श कहाँ कटेगा, यहाँ पर आपको ये ग्राउंड लेवल ही ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल सीधे, देखना बिल्कुल,
ये हमारा ग्राउंड लेवल है, बहुत ध्यान से देखना। और इसमें ये हमारा ग्राउंड लेवल यहाँ लिख दिया मैंने, दिस इज़ जीएल। प्लेंथ लेवल हमारा यही है ना, तो प्लेंथ लेवल हमारा यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, दिस इज़ व्हाट, ये हमारा प्लेंथ लेवल है। इसमें ये क्या है, फ्लोर की फिनिशिंग पूरी दिखाएंगे, वही आपका डीपीसी यहाँ पर लगा दिया हमने, ये आपकी फ्लोरिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये 7.5 सेंटीमीटर की आप सीमेंट कॉन्क्रीट डालेंगे इस तरह से। फिर नीचे क्या डालेंगे हम, यहाँ पर सैंड फिलिंग, वो उसी तरह से। और यहाँ पर नीचे कंपैक्टेड अर्थ, ये हमारी फर्श की टोटल फिनिशिंग यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर देखना डोर हाइट पर ये क्या है, ये विंडो आ रही है ना, और ये विंडो यहाँ पर सेक्शन में कट रही है, तो विंडो कहाँ कटेगी, यहाँ पर आ जाओ बिल्कुल सीधे, यहाँ पर ये आपकी विंडो जिसकी गहराई कितनी है 1 मीटर, तो विंडो हमने 1 मीटर के लिए है, तो 1 मीटर की विंडो है यहाँ पर, हमने ये दिखा दी। इसको इस तरह से आप शो करेंगे। विंडो के ऊपर क्या आएगा, लिंटल आएगा, यहाँ पर हमने एक लिंटल डाल दिया इस तरह से, ये आपने RCC का लिंटल डाल दिया। और ये पूरा वर्क कैसा है, ये हमारा मैसनरी का वर्क है, जिसको हम इस तरह की हैचिंग से यहाँ पर ख़ास तौर से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैरापेट हो गया। यहाँ पर देखो, अगर नॉमिनेशन करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ PARAPET, ये क्या हमारा पैरापेट। और ये कितना है हमारा, यहाँ पर ये, दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ 0.90 मीटर, 0.90 मीटर, ये हाइट यही है ना। यहाँ पर ये क्या है, ये वॉल थिकनेस, दिस इज 20 सेंटीमीटर थिक, दिस इज़ व्हाट, पैरापिट वॉल, PARAPET, पैरापिट वॉल, ठीक है, यही है ना। ये हाइट कितनी रखी हमने, 3.6 मीटर। जब 3.6 मीटर है तो कितना शो करेंगे हम उसमें ड्राइंग पर, 7.2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर ये जो हाइट है कितनी है, यहाँ पर ये 2 मीटर हाइट, दिस वन इज 2 मीटर। और 2 मीटर को कितना शो करोगे आप, कितना, 4 सेंटीमीटर से, ये हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, लेकिन लिखेंगे क्या 2 मीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर क्या क्या है, दिस इज लिंटल, ये क्या हमारा 10 सेंटीमीटर थिक, दिस इज लिंटल, LINTEL, दिस इज LINTEL, दिस इज लिंटल, ठीक है। ये हमारी विंडो आ गई, हमने हैचिंग दिखा दी, है ना। यहाँ क्या है, ये सारी फ्लोर की फिनिशिंग है, फ्लोर की फिनिशिंग मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल, ताकि आपको पहले से ही मालूम है कि हम क्या रखते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज DPC, ये मैंने बहुत छोटा सा यहाँ पर बना दिया है। और जो आपके रूफ़ की फिनिशिंग है वो वही है, 10 सेंटीमीटर के RCC स्लैब है, 2 कोट हॉट बिटमन के हैं, फिर इसमें 5 सेंटीमीटर के इंसुलेशन लेयर और 5 सेंटीमीटर की ब्रिक टाइलिंग और 90 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है, पैरापेट हाइट है। ये वॉल कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ लिख दिया मैंने 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, ठीक है। इस तरह से इस ड्राइंग को आप बना देंगे, तो इस ड्राइंग में देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये सेक्शनल एलिवेशन है एट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिखाई, ये पोर्शन हटा दिया हमने, तो यहाँ केवल एलिवेशन दिखाई देगा, वो एलिवेशन ये दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, एलिवेशन, जिसकी हाइट कितनी है, प्लिंथ लेवल से 4.7 मीटर, यानी कि 4.7 मीटर को हम क्या करेंगे, 9.4 सेंटीमीटर से शो करेंगे। ये 3.6 है तो हम इसको किससे शो करेंगे, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी चीज़ें ये बिल्कुल अलग है, यहाँ अलग है और ये अलग है, बीच का पोर्शन सारा हटा दिया, तो यहाँ केवल ग्राउंड लेवल आएगा, ये ग्राउंड लेवल आ गया, दिस वन इज ग्राउंड लेवल, ये प्लिंथ लेवल, ये ग्राउंड लेवल, ये प्लिंथ लेवल, तो यहाँ पर लिख देंगे GL और यहाँ पर लिख देंगे ये PL, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेक्शनल एलिवेशन, देखना जरा बहुत ध्यान से, SECTION, सेक्शनल एलिवेशन एट 1, 2, 3, 4, 5 और क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बना लोगे बहुत आसानी से, बना लेंगे, ठीक है। ये 7.1 मीटर है, किससे शो करेंगे, 14.2 सेंटीमीटर, ये कितनी लंबाई आ जाएगी, 14.2, तो देखो ये पोर्शन सेक्शन में आ रहा है, पूरे छत भी कट गई और फर्श भी कट गया, सामने यहाँ कुछ भी नहीं है जो दिखाई दे रहा है, केवल ये विंडो यहाँ पर वॉल पे आ रही है। ये 30 की फाउंडेशन है, 30 के लिए 40, 50, 60 और 90 की फाउंडेशन, वैसे ही हम दिखा देंगे, यहाँ मैंने कट कर दिया है, ठीक है। तो
तो ये सेक्शन बहुत ध्यान से देखिए कि मैंने किस तरह से बनाया। एक और अगर हम सेक्शन लेना चाहें तो बहुत ही आसान सेक्शन है जो मैं खास तौर से यहाँ पर बनाना चाहूँगा। तो चलिएगा, इसको मैंने यहाँ से काटा इस बार, ये बहुत ध्यान से देखना, आपके जो सेक्शन मैंने काटा है वो यहाँ से काटा है, इसको ही देखना यहाँ पर इस तरह से ये सेक्शन काट रहा हूँ बहुत ध्यान से। इसको लाइन को मैंने डार्क कर दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ फिर ऐसे चले गए चलो हम, फिर इसमें हो सकता है कि हम बाहर की ओर आ जाएँ इस डोर से आधा, इस डोर पर आने के बाद यहाँ पर हम बाहर की ओर आ जाएँ, ऐसे आ गए ना, यहाँ देखना बहुत ध्यान से। फिर हम थोड़ा सा इधर आए, यहाँ इस तरह से हम यहाँ इस तरह से आ गए, यहाँ इस तरह से आ गए, फिर हो सकता है कि हम बिल्कुल पीछे चले जाएं। देखो यहाँ ये दिख रहा है ना वॉल सेक्शन में, ये आ रही है, ये जा रहा है सेक्शन में, बहुत टिपिकल हो रहा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। और फिर वॉल हमने यहाँ से कट कर दी ऐसे, ये सेक्शन लाइन है ये, ठीक है, इसको हमने फिर ऐसे कर दिया। तो कहाँ है, यहाँ इस तरह चले, ये चले, देखो दिख रहा है ना ये लाइन, फिर यहाँ ऊपर गए यहाँ से, सॉरी ये तो अलग है पहले वाला था, ये यहाँ वाली लाइन है, ये वाली, ये इस तरह से आए यहाँ पर आए, फिर बाहर आए यहाँ, फिर इस तरह से, फिर यहाँ देखना बहुत ध्यान से, फिर ये बीच में वॉल कट गई है इस तरह से। इसका सेक्शन हम कैसे बनाएंगे, तो इसको मैंने यहाँ पर देखना बहुत ध्यान से, ये इस ऐसे कर दिया है, इसको हमने ले दिया है ए बी सी डी, क्या लिख दिया है, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी बहुत ध्यान से देखना, डी है ना, और फिर यहाँ पर ई, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है लेकिन टिपिकल सेक्शन है, ई, और ये यहाँ पर हमने लिख दिया है एफ, ये क्या है एफ। तो सेक्शन कहाँ है हमारा, सेक्शन यहाँ से चल रहा है, सेक्शन यहाँ से। अब हमने क्या किया, इसको एरो ऊपर दिखाई नहीं, ये पोर्शन हमारा गायब हो गया, यहाँ से ये गायब हो गया, ये सेक्शन बनेगा, देखो पूरा फर्श भी कटेगा, छत भी कटेगी, वॉल भी कटेगी, यहाँ पर आ जाओगे तो ये इतना पोर्शन एलिवेशन का बनेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे तो ब्रिक की वॉल आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो चलो इसका एक सेक्शन बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाओ, पहले ये वाला पोर्शन है ए बी सी डी वाला, तो चलो यही बना रहा हूँ मैं, देखना बहुत ध्यान से किस तरह से ये सेक्शन यहाँ पर बनेगा। ये इस तरह से वॉल हो गई, वॉल की चौड़ाई वही 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर का वाला 5x30 यानी कि 0.6 सेंटीमीटर या 6 मिलीमीटर, तो 6 मिलीमीटर वॉल खींच दोगे इस तरह से आ रही है वर्टिकल, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल कट रही है ना, तो यहाँ वही आपका डी पी सी और प्लेंथ लेवल सब आ जाएंगे यहाँ पर, ये यह हमने ये दिखा दिया, दिस इज़ व्हाट डी पी सी, और ये फर्श भी आ गया आपका, और नीचे ये हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे जाके ये हमने कट कर दिया ऐसे, नीचे जाओ इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, और ये कट कर दिया हमने, ये क्या कर दिया हमने, कट कर दिया, यानी कि 30 का जो रद्दा है वो हमारा कितना आ रहा है नीचे, 40, 50, 60 लाइक दैट है ना। ये यहाँ पर फर्श कट रहा है, देखो कहाँ पर, ए से बी तक कट रहा है, तो ए से बी तक यहाँ पर ये लाइन आ रही है आपकी बी और सी, तो यहाँ पर हमने लाइन दिखा दी, थोड़ा और पास में कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर ये लाइन आ रही है हमारी क्या, दिस इज़ व्हाट, यहाँ पर बी, बहुत ध्यान से देखना, और यहाँ पर सी आ गया ना, ये पोर्शन कट रहा है, तो वॉल हमारी यहाँ पर कट गई, विंडो कुछ भी नहीं है, विंडो यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर तो आपका ग्राउंड लेवल आएगा ना, ग्राउंड लेवल हमारा क्या है, ये वाला ग्राउंड लेवल, जिससे 45 सेंटीमीटर ऊपर हमारा प्लेंथ लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा डी पी सी आ गई, देखो इस तरह से ये फ्लोरिंग आ गई, और फ्लोर की फिनिशिंग आ गई यहाँ पर सारी, हमने फ्लोर की फिनिशिंग कर दी, वही आपकी 7.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट, फिर 10 सेंटीमीटर की सैंड फिलिंग, और फिर इसके नीचे हमारा क्या है, दिस इज़ कम्पैक्टेड अर्थ, ये हमारा क्या है, कम्पैक्टेड अर्थ, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, हमने यहाँ पर शो कर दिया। बहुत ध्यान से देखना इस फिगर को, और यहाँ पर अब देखेंगे आरसीसी की स्लैब आ जाएगी, और फर्श में नीचे फिलिंग आ गई, आरसीसी की स्लैब आ जाएगी 3.6 मीटर पे, तो यहाँ पर 3.6 मीटर पे हमने आरसीसी स्लैब डाल दी, यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये स्लैब हो गई इस तरह से, और इसको हम पूरा फिल कर देंगे। यहाँ पर एक 20 सेंटीमीटर की वॉल बनाएंगे, और इसके बाद ये हमारा कितना है, ये 20 की वॉल है, ये 20 सेंटीमीटर चौड़ी वॉल है, जितनी ये वॉल है 20 की, वही हमने यहाँ पर उठा दी है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे इस तरह से, ये ठीक है ना, ये हमारी पैरापेट है, और इसके बाद हम इसको ऐसे हैचिंग से यहाँ पर शो कर देंगे, देखो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको, ओके। यहाँ पर क्या है, ये हमारा जीएल, ये क्या हमारा, दिस इज़ जीएल, यहाँ पर मैं लिख दिया जीएल ये, और ये क्या हमारा प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, दिस इज़ दिस वन प्लिंथ लेवल है ना, ये प्लिंथ लेवल, यहाँ पर ये हमने डी पी सी शो कर दिया है, डी पी सी, और ये हाइट हमारी फिर वही कितना 3.6 मीटर, ठीक है। यहाँ पर वही फिनिशिंग आपकी
पहले दो कोट हॉट बिटमिन के, देखिएगा बहुत ध्यान से। फिर देन हमने क्या किया, इस पर इंसुलेशन लेयर लगा दी, और इसके बाद फिर क्या डाला हमने, यहाँ पर ये ब्रिक की टाइलिंग कर दी है। आ रहा है समझो, बिल्कुल बहुत आसान है, वही फिनिशिंग है, 90 सेंटीमीटर की वही पैरापिट है। तो ये हमने ये पैरापिट डाल दी ये इस तरह से, और यहाँ इसको लिख दें 0.9 मीटर, ठीक है। बाकी फिनिशिंग आपकी वही 10 सेंटीमीटर आरसी से ले, 5 सेंटीमीटर आपकी इंसुलेशन लेयर, 5 सेंटीमीटर ब्रिक की टाइलिंग हो गई। तो ये सेक्शन हमारा कहाँ बना, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का बन गया। अब यहाँ पर बाहर आ जाएँ तो इतने पोर्शन में हमारा क्या बनेगा, केवल एलिवेशन बनेगा। उसमें क्या दिखाई देगा, जब हमने इधर का गायब कर दिया तो ये डोर दिखाई देगा और यहाँ पर ये विंडो दिखाई देगी। तो यहाँ पर एलिवेशन का हम प्रोजेक्शन यहाँ पर डालेंगे बी से सी में, तो यहाँ पर ये ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे ये पोर्शन आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ये कट कर दिया हमने, तो ये वॉल आपकी यहाँ पर ये दिखाई देगी इस तरह से। ये पोर्शन क्या है हमारा, यहाँ पर ये एलिवेशन आपको दिखाई देगा। अब इस एलिवेशन में यहाँ क्या दिखाई देगा, डोर इतना दिखाई देगा, और विंडो कौन सी दिखाई देगी, हमने यहाँ से क्या किया ये वाला गायब कर दिया तो विंडो इधर दिखाई देगी, तो डोर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। डोर हमने यहाँ पर ये बना दिया, यहाँ पर हमारा डोर आ गया, ओके। डोर का प्रोजेक्शन डालना, तो हमारा ये डोर यहाँ पर ये बन जाएगा, दिस इज़ वॉट डोर। और डोर हम ऐसे दिखा दें क्योंकि आधा कट गया है डोर हमारा इस तरह से, सो दिस इज़ वॉट डोर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने ये पोर्शन गायब कर दिया तो इधर विंडो आ जाएगी वाला पोर्शन, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ये विंडो यहाँ पर बना दिया इस तरह से, ये हमारी विंडो हो गई इस तरह से, ये विंडो हो गई यहाँ, और ये विंडो ऐसे हो गई, ये विंडो ऐसे हो गई, और यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिएगा। ये विंडो कौन सी है, वो हमारी केवल ये वाली दिखाई दे रही, इतनी विंडो दिखाई दे रही है, वो विंडो का प्रोजेक्शन हमारा ये आ गया। इसके बाद ऊपर क्या दिखाई देगा, यहाँ पैरापेट यहाँ दिखाई देगी, तो पैरापेट आपके यहाँ पर इसको हम मिला देंगे इससे, सो दिस इज़ पैरापेट, ठीक है। और इसमें ये हाइट कितनी है, वही आपका 2 मीटर, ये हाइट कितनी है 2 मीटर यहाँ पर, और ये कितना है हमारा, दिस इज़ 1 मीटर, क्योंकि विंडो साइज़ क्या लिया हमने, 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, वो हमारा पोर्शन कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ, बिल्कुल इधर। तो पहले चलो नॉमिनेशन कर दें इसका, दिस इज़ वॉट सी एंड दिस इज़ डी, दिस इज़ वॉट ए बी सी और डी और फिर ई। तो यहाँ पर हमारा क्या है ई, और यहाँ पर क्या है हमारा डी, ये हमारा क्या हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर एलिवेशन। अब यहाँ पर अगर आ जाएं हम तो केवल ये चीज़ दिखाई देगी, लास्ट वाली, कौन सी दिखाई देगी, लास्ट वाली, और कहाँ तक दिखाई देगी, पैरापेट तक दिखाई देगी। तो इसको आप ऐसे ले आइएगा आगे बिल्कुल, और फिर इसको बिल्कुल सीधे खींच दीजिएगा, बिल्कुल सीधे, कहाँ पर, ये फाउंडेशन जो जा रही है यहाँ पर, ये जो आ रहा है यहाँ, देखना ये जो आ रहा है यहाँ, यहाँ के बाद ये क्या है, ये हमारे इसके बाद, ये इसके बाद ये ऑफसेट शुरू हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम चाहेंगे इसमें हम ऑफसेट यहीं दिखाना हम शुरू कर दें थोड़ा बाहर की तरफ इस तरह से, क्योंकि ये प्रोजेक्शन हमारे उस तरह से हैं। और यहाँ क्या है, ये कंक्रीट का है, ये क्या हमारा, दिस इज़ कंक्रीट, ये क्या हमारा कंक्रीट, तो ये कंक्रीट का हो गया पोर्शन इस तरह से। और इसमें मैंने क्या किया है कि ये ज़मीन जो है ये इधर भी खाली है, ज़मीन क्या है इधर भी हमारी है, क्योंकि यहाँ पर विंडो हमने डाली है, ओके। यहाँ सेक्शन देखें, ये वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन में जो छत हमारी आ रही है आरसीसी स्लैब, वो आपकी यहाँ पर दिखाई देगी इस तरह से, ये क्या है हमारी आरसीसी स्लैब, ये हमारी यहाँ पर आरसीसी स्लैब इस तरह से दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये पूरा पोर्शन क्या है, ये हमने ऐसे काटा है दीवार के अंदर से, तो पूरी दीवार हमारी कटी हुई है। अब पूरी दीवार जब कटी, पैरापिट भी कटी हुई है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इस तरह से शो करेंगे, ये हमारा टोटल क्या है, ब्रिक वर्क है इस तरह से। और एक यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देगी, यहाँ पर डीपीसी दिखाई देगी, तो ये जो डीपीसी है यहाँ पर हम इसको इस तरह से शो कर देंगे, दिस इज़ डीपीसी, यहाँ पर हमारा डीपीसी शो कर देंगे, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डीपीसी। फर्श वगैरह नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारा कहाँ है, केवल डीपीसी पे यहाँ कट हो रहा है, ये ध्यान देना, यहाँ केवल डीपीसी आएगी और आरसीसी की स्लैब आएगी, इसके बाद ये पैरापेट और पूरे नीचे तक कटा हुआ पोर्शन आएगा ब्रिक वर्क का इस तरह से लाई, ये ठीक है। तो इसमें ये जो प्रोजेक्शन है, जैसे 30 के बाद 40 हुआ है, तो 5 इधर है, 5 इधर, 5 इधर, तो ऑफसेट कितने हैं, 5-5 सेंटीमीटर के ऑफसेट, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर।
और ये इसकी मोटाई कितनी है, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। वही जो हम कॉन्क्रीट डालते थे, बेस में कॉन्क्रीट कितनी डालते, 30 सेंटीमीटर, है ना। रद्दा क्या आता था पहले, 90 का आता था पूरा, है ना। तो ये तो पूरी चूंकि वॉल है, तो यहाँ पूरी कॉन्क्रीट ही तो डाली हमने, वो कॉन्क्रीट के यहाँ पर सेक्शन आ गया। ये प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, जो हम डालते थे 90 की कॉन्क्रीट, फिर 60 का, है ना, तो प्रोजेक्शन कितना आता, 15 का आता था, ठीक है। 90 माइनस 60 बटे 2, तो 90 में से आप 60 घटा लो, कितना हो गया 30, का आधा कर दो 15। इसी तरह से 60 और 50 में ऑफसेट कितना होगा, 60 माइनस 50 बटे 2, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या है, यहाँ 15 सेंटीमीटर ये, फिर 15 सेंटीमीटर ये ऊंचाई, फिर ये 5 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 15, और फिर ये 5। इस तरह से आपका ग्राउंड लेवल ये यहाँ पर शो हो जाएगा, दिस इज़ वॉट यहाँ पर हमने डाल दिया ग्राउंड लेवल, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका सेक्शन है, तो यहाँ पर हम इसको ग्राउंड लेवल से ऐसे शो कर सकते हैं, लाइक दिस वन ग्राउंड लेवल, और ये ग्राउंड लेवल आपका यहाँ पर ये बाहर आ रहा है, दिस इज झील। आगे समझ में, तो यहाँ पर देखेंगे ये सेक्शनल एलिवेशन हमारा बनाया गया है, जिसमें है 3.6, ये भी हमारा 3.6। यहाँ पर ये फ्लोर की फिनिशिंग यहाँ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि फ्लोर की फिनिशिंग हम कहाँ करते हैं, फ्लोर की फिनिशिंग हम जब 20 सेंटीमीटर पैराबोलिक बनाया था उसके बाद हम फ्लोर की फिनिशिंग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी वॉल हमारी अंदर से कट रही है, तो केवल आरसीसी स्लैब यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया है, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर थिक एंड दिस इज़ व्हाट, आरसीसी स्लैब, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये आपका 3.6, तो ये भी कितना है, यहाँ पर ये हाइट भी 3.6 मीटर, यानी कि आप कैसे शो करेंगे, 7.2 सेंटीमीटर से, ठीक है। स्केल के अकॉर्डिंग आप इसको बना देंगे, ये क्या हमारा 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी, जिसको हम कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, 45 सेंटीमीटर, 45 बटे 50 कर लोगे तो 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया, 9 मिलीमीटर शो करेंगे, ठीक है। ये डोर की मैंने चौखट बना दी, पोस्ट बना दिया, तो इस तरह से ये हमारा ये सेक्शन बन गया। नीचे ड्राइंग जो है ये फाउंडेशन मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है हमारा, ये केवल एम्फेसिस करना है किस तरह से हम टिपिकल जो सेक्शनल एलिवेशन है जो दिया गया है उसको हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। फिलिंग यहाँ पर वही है, इसी तरह की वही फिलिंग है, 10 सेंटीमीटर आरसी स्लैब, 2 कोट हॉट बिटमेन के, 5 सेंटीमीटर इंसुलेशन लेयर, और 5 सेंटीमीटर की ये ब्रिक की टाइलिंग है। 90 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, पैरापेट, यहाँ लिख देंगे हम, पैरापेट लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा है, चलो यहाँ लिख देते हैं, दिस इज PARAPET। और ये वॉल की थिकनेस कितनी है यहाँ पर, दिस इज 20 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। और ये सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो मैंने बताया था किसी भी चीज़ को स्केल पे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हम कैसे करेंगे। अगर ये लंबाई कितनी आ रही है, 6.5 मीटर, यानी 650 सेंटीमीटर हो गया, 650 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 कर लें, क्योंकि 150 का स्केल माना है, 1:50 का, 1:100 का मानेंगे तो कैसे करेंगे, 650 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा, 5.5 सेंटीमीटर, अगर 1:100 का स्केल मानेंगे, ये 7.1 मीटर है, कितना आ जाएगा, 7.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1:100 का स्केल करना है तो सीधे आप जो भी रीडिंग है उसको मीटर में दे रखो, सेंटीमीटर सीधे ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ओके। जैसे 7.1 मीटर है, 1:100 का स्केल है तो 7.1 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, डोर का कितना है हमारा, 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर शो करेंगे, ठीक है। और अगर 1:50 का स्केल है तो जैसे इसका डबल कर दें, 7.1 मीटर है तो 14.2 हो गया, 6.5 है तो 13 सेंटीमीटर हो गया, 5.5 है तो सीधे 11 सेंटीमीटर हो गया। ये आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 0.3 है, 0.3 मीटर है, ये 0.3 मीटर ही है ना, तो 50 के स्केल पे कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप देखें, टिपिकल सेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो सेक्शन है वो ये है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इधर यहाँ पर जगह नहीं तो ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, दिस इज सेक्शनल एलिवेशन, SECTION, सेक्शनल, ELEVATION, सेक्शनल एलिवेशन एट ABCD। अब देखो कहाँ तक आ रहे हैं हम, हाँ, ABCDE और F। तो हमने क्या लिखा है, ABCD फिर E और F, यहाँ पर हम इस तरह से शो कर देंगे। तो नीचे बना दिया मैंने ये सेक्शनल एलिवेशन, तो बहुत ही आसान है, और इसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और इसमें देखो किसी तरह कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिए।